नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच वाला यूट्यूब चैनल। और आप सभी छात्रों की जो डिमांड रही है कि ऑफिस यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएं और रिवाइज सिलेबस है हार्टून का डाटा इंटरप्रेटर के लिए बिल्कुल एकदम चखास सिलेबस रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये आज पहला क्यूज रहेगा हमारा, रिवाइज है ये। यानी कि पहले भी मैं जो भाई पहली बार अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप पहली बार देख रहे तो पहले भी मैंने बना रखे हैं। और हार्टोन एस जो ऑनलाइन क्लासेज है उस पर आपको मिलेगा। अगर आप एसईटीसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप, मैं कहना चाहूंगा आप दोनों वीडियोज को देखें, अच्छे इसकी एसईटीसी की वीडियो भी देखें और डाटा इंटरप्रेटर की भी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ अभी आज ये टॉपिक रहेगा जो रिवाइज सिलेबस है हमारा, उसमें हार्टून का सिलेबस एमएस ऑफिस है। और क्वेश्चन एंड आंसर आपको जहां साथ मिलेंगे आपको पता ही है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन ही मिलेंगे। फटाफट डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर वाला टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और मुझसे बात करने के लिए मेरी टेलीग्राम आज नोट कर लीजिए, @WiFiTeach@001। और तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस 50 क्वेश्चन से कम डलवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, जल्दी से जल्दी क्विज कवर हो जाए आपका सिलेबस जितना हो सकता है। क्विज एक दिन में 2 भी आ सकती है, अगर 1 क्विज आएगी तो भी आप देखिए 1,000 के पास आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश करूंगा मैं दिन में 2 वीडियो डाली जाए और 50-50 का मैंने टारगेट लिया है। अगर आप कम क्वेश्चन डलवाना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मेरा तरीका सही है, मैंने 50 डाले, फिर भी मैं आपकी राय पर चलूंगा जो आपका मन चाहेगा। पहला क्वेश्चन है, डिटेल में बताएंगे, INT है, ब्रैकेट है, माइनस है, 6-7 पॉइंट, ये जो डॉट लगा रहा है फुल स्टॉप है, और वन और ब्रैकेट वन रिटर्न, इसका क्या मतलब होता है भाई और कैसे इसका आंसर देखा जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला होता है अगर हम एक्सेल में टाइप करते हैं तो इससे क्या होगा, ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा हमें प्राप्त होंगे 4 ऑप्शन मिलेंगे और हमें प्राप्त होगा, अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, इक्वल लगा के फॉर्मूला लगता है एक्सेल में, तो हमें प्राप्त होगा -68। बिल्कुल आप फॉर्मूला यूज करके दे सकते हो। और ये क्वेश्चन की बात करता हूँ, डिमांड आती बार बार, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऑफिस 2003, यानी कि मेरा सीधा टारगेट है, जो हार्डवेयर में एग्जाम पूछे जाएंगे मैं वही आपको करवाता हूँ। अगर आपके मन में कोई संदेह है इसके लिए आप बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम मैक्सिमम फाइल साइज इन ए वर्ड इज, तो वर्ड होता है उसमें मैक्सिमम फाइल साइज क्या होता है भाई। वीडियो को लाइक कर दो पहले, तो लाइक करो जरूर, शेयर भी किया, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुपों में शेयर करें। मैक्सिमम फाइल साइज इन वर्ड, यानी कि वर्ड में जो फाइल होती है उसका ज्यादा से ज्यादा कितना उसके अंदर हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कितने एमबी तक, तो ये बता रहा है 32 MB। नेक्स्ट, द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडोज इन एमएस वर्ड, ये क्या कह रहा है, लिमिटेड, द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो, भाई कितनी संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्या है, और ओपन विंडो, विंडो ओपन करनी इन एमएस वर्ड इज, तो इन्होंने कहा है कि लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी, यानी कि आप जो विंडो ओपन करोगे बार बार एमएस वर्ड में, जो फाइल जो भी आप ओपन करते हो कुछ भी हो, तो उसमें उसकी मेमोरी पे डिपेंड करता है आपके पीसी के। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मुझे एक बात बताइए, आज की जो स्लाइड है ये पहली वाली स्लाइड से अच्छी है या पहले वाली स्लाइड ठीक रहती थी, कमेंट में अपनी राय दीजिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसमें बात करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज, जो एक टेबल होती है उसमें मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम जो टेबल है वो होती है, टेबल पूछा है यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल, एक टेबल में मैक्सिमम कॉलम पूछा गया इन्हें, ये क्या कह रहा है, 63। ऑफिस 2003 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे बात करिए, अगर जो ऑफिस अलग नए नए होते हैं उसमें अलग प्रावधान होता है, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग बात, अगर वो ब्रैकेट में लिख देते हैं
इस पर्सन की ऑफिस 2005, ऑफिस 2002 भी है, 12, 10, 16, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, विच मेनू ऑप्शन हीटर एंड फूड इज अवेलेबल। अगर आपसे इतना पूछ लेता है भाई हीटर एंड फूटर मेनू के किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है, आपको नीचे ऑप्शन दे देता है अलग अलग तरह से, इनसेट भी देता है, मेनू भी देता है, लेकिन यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपने अगर यहां पर ऑफिस लिखेगा ऑफिस 2003-05 तो अलग बात है, फिर अलग से लिखना। अगर सेम ऐसा क्वेश्चन देगा आपको तो आपने करना है व्यू VIEW। नेक्स्ट, द शॉर्टकट ऑफ कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड इज, इन्होंने पूछा है द शॉर्टकट कॉपी फॉर्मेट, कॉपी जो फॉर्मेट कॉपी करते हैं उसका शॉर्टकट क्या होगा। इन्होंने कॉपी नहीं बोला, फॉर्मेट बोला है। तो आंसर रहेगा आपका Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द आइडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में पैराग्राफ करना है तो हम उसको कैसे कर पाएंगे, शॉर्टकट की आपको दी होती है आपको पता ही है, तो यहां पे आएगा Ctrl+M। एक होता है राइट, एक होता है भाई जो बीच में करना हो एक आपको लेफ्ट साइड में, तो यहां पे लेफ्ट के लिए Ctrl+M दबाना होगा आपको। नेक्स्ट, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है उसको हमें हटाना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो आंसर आएगा Ctrl+Q। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज, जो हमारा टैब बटन होता है आपको पता होगा कीबोर्ड में देखते हैं आप टैब लिखा होता है, उस पर दो निशान होते हैं टैब इधर उधर का, उसका जो एक बार टैब दबाते हैं तो कितनी दूर जाता है, ये जाता है 255 इंच। इसको हम अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, आधे इंच की बजाय एक इंच भी कर सकते हैं, दो इंच भी, मर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट, और जो एक क्वेश्चन को आ रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला है टू रन ऑटो फॉर्मेट इन एमएस वर्ड, टू रन ऑटो फॉर्मेट इन एमएस वर्ड इसका शॉर्टकट की क्या आएगा, आंसर रहेगा आपका Alt+Ctrl+K। नेक्स्ट, इन विच व्यू मार्जन्स एंड पेज ब्रेक आर नॉट विजुएबल, यानी कि यह कहां पर नहीं मिलता है, इन विच व्यू मार्जन एंड पेज ब्रेक आर नॉट विजुएबल, वहां पे ऑप्शन अलग अलग होते हैं आपको, इनके वेब लेआउट में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट, अगला है इन एमएस वर्ड Ctrl+K इज यूज्ड, जो एमएस वर्ड होता है उसमें Ctrl+K का हम क्या यूज करते हैं, आंसर आएगा टू क्रिएट एन हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक देने के लिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, उसमें आएगा Ctrl+K, क्या आएगा Ctrl+K। नेक्स्ट, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स आर, पूछा गया कि तीन ऐसे जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मेट की जो भी तरीके हैं, एट्रीब्यूट्स है, जो मेन पॉइंट है आप जिनका ज्यादा प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं, ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेंगे वहां पे, लेकिन आपने ये सेलेक्ट करना है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये तीन ऐसे हैं जो फॉर्मेट जिनको हम लगातार यूज करते हैं और बड़ी आसानी से यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच टूल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू ओपन द एमएस वर्ड, इसने क्या कहा है, विच टूल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कि कौन सी टूल बार है जो प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट व्हेन यू ओपन द एमएस वर्ड, जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो आएगा मेनू टूल बार, मेनू बार भी कह सकते हैं, मेनू टूल बार भी, ये हमेशा आपको मिलेगी एमएस वर्ड में।
नेक्स्ट, द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम जूमिंग परसेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज, आंसर आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा यानी के 500%, ठीक है, इसका साइज हम 500% बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट होती है, ये ऑफिस 2003 की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जो टोटल नंबर ऑफ रो होती है एक्सेल शीट की, उसमें कितने रो होते हैं, आंसर आएगा 65536। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन ए एक्सेल वर्कबुक, ध्यान से करना आप, रो कॉलम और वर्कशीट और टेबल कॉलम, ये अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन मिलते जुलते, इनको ध्यान से करना। इसमें क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन एक्सेल वर्कबुक इज, एक्सेल वर्कबुक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी होती है, 255। नेक्स्ट, वट इज नंबर फॉर्मेट इफ नंबर इज लॉन्गर देन विथ ऑफ सेल, ये क्या कहा गया, वट इज नंबर फॉर्मेट इफ नंबर इज लॉन्गर, ये कहा गया है जो नंबर का फॉर्मेट होता है उसमें नंबर लॉन्गर हो जाते हैं देन विथ, जब ज्यादा हो जाते हैं, जो चौड़ाई ज्यादा होती नंबर की, तो उसको जो सेल है वो क्या प्रक्रिया दिखाता आपको, उसमें कैसा आपको दिखाई देगा वो नंबर। देखिए, इन साइंटिफिक वाइज साइंटिफिक इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि आपको ऐसा मिलेगा कि ये कभी है आ गया, कभी है, ये ऐसे मिलेगा 1, 2+ जो भी है, ज्यादा हो जाते हैं तो बिल्कुल आप डाल के दे सकते हो, और आपका सेल से ज्यादा आपके नंबर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉपी सेम डाटा इन ए मल्टीप्लाई सेल, इसमें पूछा गया है टू कॉपी सेम डाटा इन ए मल्टीप्लाई सेल, अगर हम कॉपी करते हैं सेम डाटा को एक मल्टीप्लाई सेल के अंदर, तो क्या प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। ऑप्शन दिए गए यहां पर, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहां पे आंसर बताते हैं आपको, चार आंसर में से आपको आंसर मिलेगा ये, सेलेक्ट द सेल एंड डार्ग, क्या करेगा, सेलेक्ट द सेल एंड डार्ग, ये करना पहले था आपने, और फिर सेलेक्ट द सेल, टाइप द डाटा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, आंसर आया बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि जो सी था वो आंसर नहीं था, वो मैंने हटा दिया है, ठीक है। यानी कि आप जब कॉपी सेम डाटा मल्टीप्लाई सेल की बात करते हैं, वहां पे सेलेक्ट द सेल एंड डार्ग, ये भी ड्रैग, ये भी आ सकता है, और सेलेक्ट द सेल, टाइप द डाटा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये भी आंसर इसका, ठीक है, आंसर दोनों है इसके। नेक्स्ट, द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज, ये पूछ रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का जो कम से कम साइज क्या होता है, वो होता है 10%, और एक ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 500%, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन इंसर्ट ए इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट विन, वी हम कर सकते हैं, वी कैन हम कर सकते हैं इंसर्ट ए टेबल, एक टेबल जो ले सकते हैं इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो कैसे ले सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पे चार, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आंसर है वही डाला है, विद द इंसर्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाएंगे, वहां पे इंसर्ट बटन में आप, इंसर्ट बटन पे आपने जाना है, ये पहले क्या कह रही है, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके वहां से भी आप इंसर्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद द टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, यानी कि विद द टेबल के साथ एंड बॉर्डर टूल बार से बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है, विद, ये क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, जो तीसरा नहीं था वो मैंने हटा दिया है। अगला, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड वी यूज, ये क्या कह रहा है, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड वी यूज, हम जो एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वो क्या है, उसमें देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, बहुत से साथी क्या होते हैं भाई जिनको पता नहीं होता बेचारों को, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल दबाते हैं फिर प्लस का निशान दबाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का यूज नहीं करना होता, ये कह रहा है कि आप कंट्रोल दबाए फिर अल्ट दबाए, साथ में दबा दे तीनों चीजों को, तो फिर आपका प्रीव्यू दिखाई देगा एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर चेंज केस? तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस एफ थ्री। नेक्स्ट भाई बात आती है मेल मर्ज की। मेल मर्ज क्या है? यहां पे ऑप्शन दिए गए, चारों के चार डाले हैं मैंने, और यहां पे देखिए बता दें आपको, पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स, और तीसरा है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बोथ ए एंड सी, यानी कि पहला आएगा क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, और फिर क्या करना है, क्रिएट द डाटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट, ये इसका आंसर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोज? मैक्रो क्या है? आंसर आपको बता दें, सीरीज ऑफ कमांड रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की। एक सीरीज कमांड है जो रन करती है स्ट्रोक ऑफ की को, स्ट्रोक करती है, जो डाटा मैक्रो में रिकॉर्ड करते हैं वो उसको चालू रखती है जहां पे पेस्ट करना हो। मैक्रो आर रन बाय, मैक्रो कैसे रन होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम, यानी कि शॉर्टकट की का प्रयोग करके। अगला है बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूल बार, टूल बार पे जो मैक्रो का आइकन होता है उस पर क्लिक करके हम इसको रन कर सकते हैं। अगला है बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल, टूल में जाके और माइक्रो ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे जाके भी हम इसको रन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसके सही उत्तर है। अगला है टू इंसर्ट ए बुक मार्क, क्या कह रहा है? टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज, ये कह रहा है टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज, हम इसको कैसे भी यूज करते हैं, बुक मार्क को इंसर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? आंसर बता रहे हैं यहां पे शॉर्टकट की बता रहा है इसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फाइव दबाओगे तो इंसर्ट ए बुक मार्क हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज, यानी कि जो न्यू वर्कशीट हम ओपन कर सकते हैं, यूज करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आंसर आएगा शिफ्ट प्लस एफ 12, इनके फंक्शन कुंजी आपको दबानी पड़ेगी साथ में, एफ 11, शिफ्ट प्लस एफ 11। नेक्स्ट इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज, ये क्या कह रहा है? एक्सेल के अंदर जो रिपीट करते हैं लास्ट प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया है एक्शन है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? आंसर आएगा एफ 4 के माध्यम से। नेक्स्ट टू डिलीट एंटायर रो और कॉलम इन एक्सेल, जो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं रो एंड कॉलम इन एक्सेल के अंदर? आंसर देखिए, सिलेक्ट द रो एंड कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस प्लस या माइनस, ये क्या कह रहा है यहां पर? सिलेक्ट द रो एंड कॉलम एंड प्रेस, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो भाई जैसे एंटायर रो और कॉलम इन एक्सेल में जाके तो ये पता आपको आ जाता है, और माइनस से क्या होता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसमें दोनों आंसर आ जाते हैं। अगला द कॉपी ए सीट इन एक्सेल, सॉरी टू कॉपी ए सीट, एक सीट कॉपी इन एक्सेल कैसे करते हैं? होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट, ठीक है। नेक्स्ट द सेल हाइट ऑफ एक्सेल सीट इज, जो एक्सेल की सेल की हाइट होती है वो क्या होती है? आंसर आएगी 17 पिक्सल। और आपको बता दें, बहुत से साथी हमारे गूगल में सर्च करेंगे और कुछ सिलेबस भी देखता है क्या सिलेबस है, आप यहां से अंदाजा लगा दीजिए, जो सिलेबस मैंने बताया वही सिलेबस, आप गूगल पर सर्च करोगे सिलेबस तो कुछ और आता है, ऐसी जो मैं आंसर बताता हूँ भाई वही याद कर लिया करो, बस अगर किसी आंसर में डाउट है कि सर आपने वहां पे वो बताया था तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है, बता दिया करो कि सर ये आंसर आता है। नेक्स्ट द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 नंबर जो रो है उसका क्या आएगा एड्रेस, सेल एड्रेस क्या आएगा? लगा के देख लीजिए फार्मूला एक्सेल में, ए भी 15 आता है, ठीक है। नेक्स्ट टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल सीट,
टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट। तो कैसे आप उसको मूव कर सकते हैं, देखिए पहला आंसर है कंट्रोल प्लस अप एरो, दूसरा शीट प्लस एंटर, तीसरा अप एरो, आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि शीट प्लस एंटर से भी आप मूव कर सकते हो सेल अप इन एक्सेल शीट में और अप एरो से भी। अब बोला इसने अप, ठीक है, एंटर में नीचे आता, आपको पता होगा। नेक्स्ट, विच वन इज वैलिड टू सम फ्रॉम सेल ए वन टू ए फाइव, आंसर आएगा इसका देखिए इक्वल सम और ब्रैकेट ये ए वन और सेम कॉलन जो भी ए फाइव और ब्रैकेट बंद, ये आता है, फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या होती है, देखिए चार ऑप्शन दिए मैंने, चारों यहां में डाल दी इस क्वेश्चन पे। पहला आंसर है शो द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल, द एक्चुअल जो मूल जो भी है कंटेंट्स वो सेल में आपको दिखाई दे रहे हो यहां पर कह रहा है। अगला है यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड इन द सेल, अगला है शो ओनली फार्मूला कंटेंट इन द सेल, आंसर देखिए बोथ ए एंड बी, आंसर क्या व्हाट इज फार्मूला बार, फार्मूला बार पूछा इसने क्या कहा है शो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, इनके सेल के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो शो करता है फार्मूला बार में। अगला यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड, यानी कि जो हम एडिट करते हैं एक्सेल में वहां पे सेल पे जाके लिखते हैं तो ऊपर एक फार्मूला बार होती है वहां पर वो दिखाई देती है, साथ में अगर आप सेल पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल डाटा वो भी हमारा दिखाई देता है, इसलिए ए एंड बी इसका सही आंसर है। और जो शो ओनली फार्मूला कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो हम फार्मूला लगाते वही दिखाता है, तो इसलिए ये गलत रहेगा आप, ठीक है पहले दो सही ए एंड बी ओके है। नेक्स्ट व्हाट डज द एरर, ये एरर दिखाया गया है जो दिखाया गया है टैग जो भी वैल्यू इनवर्टेड इनवर्टेड कॉमा है शोज, एरर क्या है देखिए एरर केज्ड बाय इनकोरेक्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो आपका गलत है ये साबित कर रहा है ये वैल्यू वाला हैशटैग वैल्यू वाला, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल सी टू इफ द फार्मूला, अगर ये जो कंटेंट्स है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द सेल सी टू इफ, यदि द फार्मूला हम ये जो फार्मूला लगाते हैं इन बी टू इन इज कॉपीड टू सी टू, बी टू को कॉपी करते हैं सी टू में तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर देख रहे हैं ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये आएगा, बस ऐसे याद कर लो भाई, कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे सकल से ही। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंसेस, ये क्या कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट अलग अलग प्रकार के टाइप के अलग प्रकार के सेल रेफरेंसेस बताइए, ये देखिए एब्सोल्यूट रिलेटिव मिक्सड और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सही है तीनों के तीन। नेक्स्ट टू डिस्प्ले द फार्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू इन ए सेल वी यूज टू डिस्प्ले द फार्मूला इंस्टेड, साफ साफ डिस्प्ले जो फार्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू होती है जो दिखाता है जो भी है सेल वी यूज हमको कैसे यूज करते हैं, वी यूज यूज करते हैं उसके लिए देखने के लिए जो डिस्प्ले करने के लिए ऑफ वैल्यू को डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका कंट्रोल प्लस ये कोमा भाई जो ऊपर लगता है वो, ठीक है कंट्रोल प्लस ये कोमा, ये था शॉर्टकट की इसका। नेक्स्ट इन एक्सेल टू क्रिएट हीडर एंड फूटर विच मेनू इज यूज, एक्सेल में, हाँ एक्सेल में पूछा गया, यहाँ पे पहले नहीं पूछा गया था, वो कुछ व्यू दिया था मैंने उसमें, उसमें पूछा गया था हीडर एंड फूटर कहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है ऑफिस तीन का क्वेश्चन है 2003 जो भी है, और उसके लिए इन एक्सेल एक्सेल के अंदर टू क्रिएट हीडर एंड फूटर विच मेनू इज यूज, हीडर एंड फूटर को क्रिएट करने के लिए लाभ बनाने या हीडर फूटर देने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करेंगे, वहां पे जाएंगे हम फाइल के अंदर, ठीक है फाइल से आपका प्रक्रिया चालू होगी। नेक्स्ट व्हाट इज एडीओ, एडीओ क्या है आपको बता दें, देखिए एक्टिव एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट, ये क्या है एक्टिवएक्स एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ, ये एंड का निशान है इन द एक्सेस, एक्सेस में इसका क्या मीनिंग होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है एमएस एक्सेस में जो भी होता है, आंसर देखिए ब्लैंक स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड, यानी कि कह रहा है इस फील्ड में ब्लैंक स्पेस नॉट रिक्वायर्ड, यानी खाली स्थान की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस प्रोजेक्ट इज, जो एक्सटेंशन की एक्सटेंशन पूछ रहा है जो एक्सेस प्रोजेक्ट की उसकी क्या है, आंसर देखिए डॉट ए डी पी। नेक्स्ट वी कैन क्रिएट ए टेबल माई यूजिंग, वी कैन हम
क्रिएट यानी कर ये क्रिएट बना सकते हैं टेबल बाय यूजिंग, किसका प्रयोग करके हम टेबल बना सकते हैं। देखिए ये क्वेरीज के क्वेश्चन आ गए हैं शायद वहां पे, और देखिए टेबल विजार्ड डिजाइन व्यू एंटायरिंग डाटा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी से हम टेबल यहाँ पे टेबल बन जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कितने प्रकार के जो रिश्ते हैं इसमें बोलिए, डिफरेंट अलग प्रकार के होते हैं, रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। देखिए वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी ओके है, वन का टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन बिल्कुल ओके है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बिफोर डिलीटिंग ए फील्ड, एक बिफोर डिलीटिंग ए फील्ड दैट इज रिलेटेड टू ए फील्ड इन अनदर टेबल यू हैव टू, डिलीट करने से पहले पूछ रहा है कि क्या करेगा। नेक्स्ट है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाटाबेस इज ए, एक डाटाबेस क्या है, आंसर देखिए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पज। नेक्स्ट, व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस खालिस्तान रन ऑटोमेटिकली, व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस खालिस्तान रन ऑटोमेटिकली, यानी कि हम जो डाटाबेस ओपन करते हैं उसके लिए मैक्रो रन ऑटोमेटिकली, यानी कि मैक्रो खालिस्तान आएगा इसका। अगला, क्वेरीज आर यूज टू, क्वेरीज का यूज किस लिए किया जाता है, यानी कि व्यू द डाटा, डाटा देखने के लिए, चेंज द डाटा, डाटा बदलने के लिए, एनालिज द डाटा, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ओके है, इन सभी प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रिय साथियों यहां पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल एमएस ऑफिस का पार्ट है ये, और जैसे ही कोई दूसरे टॉपिक पे जाएंगे मैं बताऊंगा आपको, लगातार सीरीज आएगी आपको, आपके बीच में खिचड़ी नहीं पकेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके याद भी हो गए क्वेश्चन, अच्छे से याद कराएं, और स्लाइस मीट का वीडियो चुका है, चैनल पर पहली बार लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रेड रंग का, कमेंट कीजिए हर वीडियो में कमेंट करिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है उसका भी कमेंट जरूर करें, अगर मैंने पहले क्वेश्चन में गलत दिया था तो भी आप मुझे बताएं, ताकि अब की बार आपको जो कमेंट है सभी कमेंट का जवाब मिलेगा, यहाँ पर चाहे आप हजार कमेंट आ जाए हजार के हजार का जवाब आपको मिलेगा। तो प्रिय साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वाईफाई टीच साला, उसको ज्वाइन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल का आपको पता ही है, जहां पे वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और कौन कौन तैयारी कर रहे हैं और आज का ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में।